नमस्कार, मैं पूजा भारती और आप देख रहे हैं P3 न्यूज़ झारखंड। राजधानी रांची में लॉकडाउन के बाद सरकार ने राहत देने के लिए, लोगों को राहत देने के लिए अनलॉक किया था, लेकिन इसके साथ ही साथ अपराधी भी अनलॉक हो गए हैं। आपको बता दें, राजधानी रांची में अपराध की घटना में काफ़ी वृद्धि आई है। हाल के दिनों में ही कई ऐसी घटनाएँ चोरी की भी सामने आई है। अगर आप बात करें डोरंडा क्षेत्र में, तो इलेक्ट्रॉनिक दुकान में भी लाखों की चोरी हुई है। तीरंदाज दीपिका की मां के साथ भी उनके चेन की चोरी हुई है, और कडरू स्थित न्यूज़ चैनल के ऑफिस में भी चोरी हुई है। तो ऐसी घटनाएं जो है काफ़ी बढ़ गई है। COVID-19 महामारी के दौरान जो 3 महीने लोग अपने घर में रहे, उसके बाद सरकार ने राहत देने के लिए अनलॉक की घोषणा की, लेकिन इसके साथ ही साथ अपराधी भी जो है वो अनलॉक हो गए हैं। अभी हम मौजूद हैं कडरू स्थित कुछ दुकानदारों के बीच, उनसे बात करेंगे, जानेंगे उनकी राय, जानेंगे प्रतिक्रियाएं, जानेंगे कि वो इस बढ़ते अपराध को लेकर के क्या सोचते हैं और क्या सरकार और प्रशासन से अपील कर रहे हैं। यहाँ पे एस्बेस्टस का मेरा था, एस्बेस्टस तोड़ा गया, उसके नीचे पूरा जाली मारा हुआ था लोहा का, उसको भी तोड़ा गया। उसके बाद में फॉल सीलिंग था, मतलब 3 लेयर था, वो तीनों तोड़ के अंदर घुसा है चोर लोग, और यहाँ से सामान लेके गया। इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट था सारा, पंखा था, उसमें वायर था और कुछ और भी आइटम था जो कि महंगा आइटम होता, वही चुरा के लेके चला गया। चोर भी अनलॉक हो गए और अपराध के मामले जो है वो काफ़ी तेज़ी से रुख ले रहे हैं और काफ़ी वृद्धि आई है अपराध के मामले में। आपको बता दें कि रांची के DGP MV राव ने भी निर्देश दिया था कि 15 दिनों तक 2 पहिया वाहन का चेकिंग अभियान चलेगा। ऐसे में जो दुकानदार है वो भी पहल कर रहे हैं सरकार और प्रशासन से कि इस जो बढ़ते अपराध को रोकथाम के लिए कुछ सराहनीय कदम उठाए। लेकिन जो आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि जो ये बढ़ती घटनाएं जो हो रही है, उसमें सरकार और प्रशासन जो है वो विफल हो रहे हैं। तो इसके लिए सरकार और प्रशासन को कुछ ठोस कदम उठानी पड़ेगी ताकि ये जो अपराध की घटनाएँ हैं वो ना हो सके। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए P3 न्यूज़ झारखंड के साथ। रांची से मैं पूजा भारती।